सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी में मौजूद हैं और जैसा हाल शुबह हादसात का था बिल्कुल कमोबेश वही सूरत हाल जो है वो ओपीडी की भी है और यहाँ पर लोग जो हैं वो तवील कतारें लगाने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि किन मसाइल का आपको सिविल अस्पताल की ओपीडी में सामना है, क्या दवाएँ आपके मरीज को मिल रही हैं, क्या रिपोर्ट जो हैं वो बरवक्त मौसूल हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं लाड़काना से आया हूं और मेरा नाम सिकंदर अली है जी। ये जो सूरत हाल है सिविल हॉस्पिटल का वो तमाम बदतर है। इधर जो पर्ची वगैरह जो कटवाते हैं दो दो घंटे तीन तीन घंटे लग जाते हैं पर्ची कटवा के, फिर आते हैं डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर भी चला जाता है। बाकी रही दवाओं की, दवाओं भी नहीं मिल रही है। वो जो दवाई है वो जो सारा सब कुछ बाहर के लेके देते हैं। इधर जो दवाई जो हॉस्पिटल को सरकारी है इंतज़ामिया को, वो कुछ भी सूरत हाल नहीं है। जो जो भी है मतलब बड़ा परेशान है। आज भी अभी अल्ट्रासाउंड के लिए सब जा रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं सुबह 8 बजे आना। यहाँ पे जान पहचान वालों का जल्दी काम हो जाता है, जबकि हम जैसे गरीब लोग जिनका कोई भी नहीं होता उनको खवारी करनी पड़ती है, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, ये वजह होती है। जो एक पेशेंट है उनको 3 दिन से है बुखार हो रहा है, सब अभी भी उनको इतना बुखार है लेकिन एमरजेंसी में जाएं वो कहती है चेक ही नहीं करते, वो डॉक्टर आएगा वो डॉक्टर आएगा। ये बताएं दवाएं फराम कर रहे हैं आप लोगों को या बाहर से खरीद रहे हैं? पहली बार आए, उन्होंने एक ये वाली दी है बाकी बोला बाहर की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।